हमें बाईं तरफ स्टीयरिंग वाली गाड़ियों को चलाना तथा उनके फीचर के बारे में सिखाया गया। मेरी ड्यूटी तुर्की देश की प्रथम महिला श्रीमती अर्दोगन के साथ लगी थी। सर, मुझे तुर्की भाषा नहीं आती और सर मैडम को हिंदी भाषा नहीं आती थी। मेरी माता जी को हार्ट अटैक आने के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सर, उस समय मैंने अपनी ड्यूटी को जारी रखा। जैन सर, मैं कांस्टेबल ड्राइवर अक्षर सिंह 244 बटालियन CRPF से हूँ और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। G20 सम्मेलन में सर बाहर से जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मेहमान जो आए थे, उनका मेन कारगेट चलाने की ड्यूटी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी CRPF को दी गई थी। इसके चलते हमें स्पेशल 2 महीने की ट्रेनिंग ग्रेटर नोएडा में कराई गई। ट्रेनिंग के दौरान हमें बाईं तरफ स्टीयरिंग वाली गाड़ियों को चलाना तथा उनके फीचर के बारे में सिखाया गया। उसके बाद सर मुझे मेक्सिको के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक की गाड़ी चलाने की ड्यूटी मिली। मैंने उनके साथ 3 दिन ड्यूटी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सबको ध्यान में आता होगा कि इतना बड़ा जब इवेंट करते हैं तो लेफ्ट हैंड ड्राइव भी सीखना पड़ता है, यानी प्लानिंग में कितनी बारीकियों की ज़रूरत पड़ती है इसका इसके अंदाज मिल सकता है आपको। जय हिंद सर, मेरा नाम पिंकी रानी है और मैं हरियाणा से एक छोटे से गांव गोची से बिलोंग करती हूँ। सर, मैं फ़िलहाल दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर मुखर्जी नगर थाने में पोस्टेड हूँ। और सर, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मेरी ड्यूटी तुर्की देश की प्रथम महिला श्रीमती अर्दोगन के साथ लगी थी। एक बार मैं मैम को दिल्ली हाट हम लोग लेकर के गए। सर, मैम एक कपड़े को छूकर जानना चाहती थी कि ये कपड़ा कौन सा है और इसका हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। सर, मुझे तुर्की भाषा नहीं आती और सर मैडम को हिंदी भाषा नहीं आती थी। तब सर हमने G20 ऐप का सहारा लेकर के उस भाषा का अनुवाद किया और दुकानदार को ये समझाया कि मैडम को क्या चाहिए। लेकिन उनको समाधान हो जाता था ये जो इंटरप्रिटेशन होता था उससे? हाँ सर, मैम जो भी पूछती थी सर मैं उसका अनुवाद उस ऐप के जरिए कर लेती थी। आपको कभी इसके पहले किसी विदेशी मेहमान के साथ काम करने का नौबत आई हो, अनुभव हो ऐसा कुछ? नहीं सर, ये मेरा पहला अवसर था जब मैंने किसी विदेशी के साथ नौकरी करी, जो ड्यूटी करी, और सर मैं उनको बहुत अच्छे से प्रभावित भी कर पाई। चलिए, बधाई हो आपको, आपने तकनीक का भी बड़ा भरपूर उपयोग किया और मैं मानता हूँ हमारे पास जो तकनीक की ताकत है वो भी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। मैं इंस्पेक्टर सुरेश कुमार, G20 समिट के दौरान मेरी ड्यूटी भारत मंडपम में L1 में बायलेटरल मीटिंग रूम्स की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग थी। क्या रहा आपका अनुभव इस समय? सर, हम ये ड्यूटी बड़े गर्व के साथ कर रहे थे और हमें बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था कि हम इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, मेरा एक निजी अनुभव इस समय के दौरान रहा कि दिनांक 9/9 को जब मैं ड्यूटी पर था तो मुझे सूचना मिली कि मेरी माता जी को हार्ट अटैक आने के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सर, उस समय मैंने अपनी ड्यूटी को जारी रखा। एक मन कह रहा था कि आप माँ के पास जाइए, दूसरा मन कह रहा था नहीं, आप इस देश को गौरव हैं और अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू कीजिए। सूरज जी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही कठिन पल में आपने मन को संतुलित रखा, ये बड़े ही हिला देने वाले पल होते हैं। लेकिन आपको लगा कि
ऐसे समय अगर आप, क्योंकि 9 तारीख यानी उस पहला दिन और बड़ा महत्वपूर्ण काम था, अचानक किसी दूसरे को ड्यूटी भी संभव नहीं थी और आपने इतनी सारी बातों को संभाल लिया, तो सुरेश जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने देश की जरूरत को प्राथमिकता दी व्यक्तिगत। इतनी बड़ी घटना, उससे अपने आप को अपने ड्यूटी के लिए समर्पित रखा, परमात्मा आपको बहुत शक्ति दे। धन्यवाद। जय सर।